नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल SS एनालिसिस पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, यदि आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा होने तक जरूर देखें, और यदि आपको लगता है कि मैंने इसमें पिछले कुछ वीडियोस का रेफरेंस दिया है तो उन वीडियोस पर जाकर भी जरूर देखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस वीडियो पर लाइक करना ना भूलें यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है। दूसरा, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट कर सके कि मैं निरंतर रेगुलर आपको अपने निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर रेगुलर अपडेट्स देता रहूं। मैं साथ ही अन्य कमोडिटीज पर भी अपने रेगुलर अपडेट्स देना जारी रखूंगा। तो आइए अब बात करते हैं निफ्टी के इस चार्ट पर। तो ये निफ्टी का एक रेंज ट्रेंड बेस्ड फिब चार्ट है। ये एक 4 घंटे का चार्ट है। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि निफ्टी इस अप ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है इसके ऊपर सपोर्ट दे रहा है, और ये सपोर्ट जारी है तकरीबन 9 जनवरी तक। उसके बाद निफ्टी नीचे आया है 10,697 के लेवल तक। फिर से निफ्टी ने 14 जनवरी को एक ऊपर की चाल पकड़ी और इस अप ट्रेंड लाइन के ऊपर आने की कोशिश की, परंतु मेरा मानना यह है कि जो निफ्टी पर हम बार बार जहां सेलिंग देखते हैं वो ये लेवल्स हैं, यानी 10,895। जब भी निफ्टी इसके ऊपर जाता है तो हमें यहां लगातार, आप यहां देख सकते हैं कि हमने लगातार सेलिंग देखी। जैसे 3 दिसंबर को यहां एक बार सेलिंग होनी शुरू हुई 10,938 के लेवल से। ये मेरे ट्रेंड बेस्ड फिब रेजिस्टेंस चार्ट की एक जोन है। निफ्टी में ये कहूंगा कि इस जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है अभी पिछले कुछ दिनों से, जो आप इस नीले रंग में देख रहे हैं, यानी इस लाइन से नीचे, यानी इस रेंज से नीचे निफ्टी यहाँ बार बार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जब भी निफ्टी यहाँ जाता है यानी 10,955 के स्तर तक भी, तो निफ्टी में एक भारी मात्रा में सेलिंग होती है और निफ्टी बहुत तेजी से नीचे आता है। परंतु यहाँ तो अभी ये अप ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट दे रहा था, परंतु अब आप ये देख रहे हैं कि निफ्टी यहाँ इन सपोर्ट्स को भी तोड़ने लगा है। और फाइनली आप यहाँ देख सकते हैं कि 14 जनवरी को निफ्टी 10,697 के लेवल तक आया नीचे, और वो भी इस अप ट्रेंड लाइन के नीचे। दूसरी बात यहाँ देखने वाली ये है कि अभी तक हम 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे थे, परंतु 14 जनवरी को निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिखाया और निफ्टी 4 घंटे के चार्ट में 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर तो बंद हुआ, परंतु फिर से हमने इन्हीं स्तरों पर यानी 10,917 के आसपास हमें सेलिंग देखने को मिली। और आज मैं ये कहूंगा कि निफ्टी आज बड़े क्रिटिकल स्तर पर बंद हुआ है, क्योंकि जहां ये अप ट्रेंड लाइन और ये रेजिस्टेंस लाइन यहाँ मिल रही हैं, तो जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो 10,905 की एक बड़े क्रिटिकल स्तर है। तो दोस्तों, यहाँ हमें कल यानी 18 तारीख को एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि हमें यहाँ हम 200 डेज मूविंग एवरेज पर सपोर्ट देने की कोशिश करें, यानी 10,834 से एक बाउंस बैक मिले, परंतु मेरा मानना यह है कि 10,938 पर एक अच्छी मात्रा में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है 10,946 के लेवल से। तो निफ्टी में बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि FIs लगातार निफ्टी में सेलर बने हुए हैं, क्योंकि अभी तक बैंकों के बढ़ते NPS पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। दूसरी ओर चाइना और US के बीच में चलती ट्रेड वॉर का असर सारे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नेगेटिव रूप में पड़ रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार गिरावट की ओर हैं।